कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ इधर उधर की नहीं, आंकड़ों के चश्मे से हम देखते हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ दिखता है, क्या कहता है चुनावी इतिहास और कैसे मिल रहे हैं आगे के संकेत। तो राजस्थान जैसे प्रदेश में भी जातीय समीकरण का अच्छा खासा बोलबाला रहता है, और इसीलिए जो पहला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं जातीय हिसाब किताब क्या कहता है, तो हिंदू अगर 88.5% है तो मुस्लिम मतदाता यहां पर महज 9% है, कई राज्यों से काफी कम 9% मुस्लिम मतदाता यहां पर है। अगड़े 19%, जिनमें से ब्राह्मण है 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4%, अन्य 2%। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगड़े किस तरफ जाते हैं राजस्थान में जब बात वोटों की होती है। पिछड़ों में अगर आप गुर्जर को देखें 40% में, तो 5% गुर्जर, जाट 10%, माली 4% और अन्य 21%। खुद अशोक गहलोत भी माली समुदाय से ही आते हैं, 4% माली यहां पर मौजूद है। दलित समुदाय 18%, आदिवासी समुदाय 14%, इनका झुकाव किस तरफ है ये भी हम आपको बताएंगे, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। लेकिन राजस्थान में अब कौन जाति किसके साथ ये बताने की घड़ी आ गई है, जरा आपको बता तो दें कि कौन किस तरफ वोट करता है। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार यहां पर उल्टा पलटा, मतलब आप समझिए अदला बदली करती रहती है। क्या इस बार बाजी पलटेगी, अशोक गहलोत यही दम भर रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार फिर से बनेगी। तो जाति के हिसाब से आदिवासी 55% बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो 40% कांग्रेस की तरफ। दलित समुदाय से 46% बीजेपी की तरफ, तो 49% कांग्रेस की तरफ। मुस्लिम 10% बीजेपी की तरफ, तो बहुत बड़ा आंकड़ा 87% एकमुश्त होकर कांग्रेस पार्टी को यहां पर वोट करता है। जाट समुदाय पे अगर हम पहुंचेंगे आप, तो यहां पर अन्य जातियों को भी, और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है चौटाला की पार्टी भी बीजेपी के साथ चुनावों में वहां पर शामिल हो, ताकि जो जाट मतदाता है उसको वो अपनी तरफ खींच सके। लेकिन जाट समुदाय से जो सिलसिला शुरू हुआ था वही अब बरकरार रहता है, क्योंकि चाहे जाट हो, ओबीसी, राजपूत, सामान्य वर्ग या फिर अन्य, इन सब में बीजेपी का दबदबा रहता है। जहां जाट 68% थे, वहीं ओबीसी 75% बीजेपी के साथ, वैसे ही राजपूत भी 75%, 78% सामान्य वर्ग, और उधर 20, 19 और 16 रह जाते हैं कांग्रेस के साथ। अन्य को अगर आप देख लें तो पूरा 74% बीजेपी की तरफ है और 21% कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब हम आपको लोकसभा चुनाव में जो जातीय समीकरण रहा है और किसका किधर झुकाव रहा है वो जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में अगर आप देखेंगे बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। महिलाओं और पुरुष के हिसाब से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब महिला वोटर निर्णायक साबित हो रही है कई राज्यों में। इसीलिए बीजेपी की तरफ अगर 60% पुरुष हैं, तो 35% पुरुष हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, महिला 62%, तो 33% कांग्रेस की तरफ। और अब बात पिछले विधानसभा चुनाव की करते हैं और आपको क्षेत्रवार तरीके से बताते हैं। 4 इलाकों में राजस्थान बटा हुआ है, तो 2 इलाकों में मुकाबला है, वहीं पर 2 पर वर्चस्व बीजेपी का दिखता है। हड़ौती से शुरू करते हैं, 57 कुल यहां पर सीटें हैं 10 बीजेपी के पास, तो कांग्रेस बहुत आगे है बाजी 35 सीटों के साथ और 12 अन्य को। अगला इलाका मारवाड़ का, जहां पर 61 सीटों में सिर्फ 24 पर बीजेपी है, कांटे का टक्कर यहां पर है, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों की बढ़त के साथ 29 पर रही थी, 8 पर अन्य। उसके बाद आइए मेवाड़ में, जहां पर 7 सीटों में से 35 अगर बीजेपी की झोली में गए तो यहां पर 21 कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस थोड़ी सी पीछे रह गई और 4 अन्य को। शेखावटी 21 सीटें, जहां से 4 बीजेपी और 15 कांग्रेस पार्टी को, पिछली बार कांग्रेस की ही सरकार बनी थी 199 सीटों पर बाजी मारकर। अब हम जल्दी से आपको विधानसभा चुनाव में जो सीटें हैं उसका एक ग्राफ दिखा देते हैं कि अब तक कौन कहां पर, यानी 2003 से अगर हम चुनाव को देखें तो हमेशा यहां बाजी पलटती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, 2003 में 120 बीजेपी, 56 कांग्रेस, फिर बीजेपी अटक गई 78 पर, कांग्रेस पहुंच गई 96 पे, उनकी सरकार बन गई। फिर 13 में देखिए 163 थंपिंग मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को, 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। फिर 18 में लेकिन बाजी फिर पलटी, 100 सीटें कांग्रेस की तरफ, उनकी सरकार बनी, और 73 पर बीजेपी अटक गई। वोट शेयर भी आपको बता देते हैं कि वोट शेयर क्या रहा है दोनों इन चारों चुनावों में, वोट परसेंटेज में कितना रिफ्लेक्ट करता है, कितनी सीटें किधर गई हैं। तो बीजेपी को अगर 2003 में 39 यानी 39% वोट आए थे, तो 35 कांग्रेस पार्टी को, वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा नहीं, 4% का फर्क था। 2008 में 34, 37, 2013 में 45, तब बीजेपी ने जबरदस्त बाजी मारी थी 45% वोटों के साथ, 163 सीटें आई थी और 33 पर कांग्रेस पार्टी है, 33%।
2018 में 39 और 39 यानी वोट परसेंटेज बराबर होने के बावजूद 73 पर अटक गई थी बीजेपी और सेंचुरी मारकर कांग्रेस की यानी अशोक गहलोत बन गए वहां पर मुख्यमंत्री। अब हम आपको बता दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में जो एससी और एसटी सीटें हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी मात्रा में ये सीटें हैं और ये भी निर्णायक साबित होती हैं। 2008 में एसटी सीटों में 34 सीटें बीजेपी की तरफ गई थी, 2013 में 31, 14-18 का आंकड़ा आप देख लीजिए, फिर 13 में देखिए 31 और 0 यानी एससी सीटें जो है उसमें कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, फिर 2018 में आइए तो 12 और 19 कांग्रेस आगे निकल गई, फिर एसटी सीटों पर आइए शेड्यूल ट्राइब सीटों पर तो यहां पर 2 बीजेपी को, 16 कांग्रेस पार्टी को, 2013 में 18 बीजेपी को तो 4 कांग्रेस को, 2018 में 2 बीजेपी को रह गई बस, वापस हो गया और उसके बाद से चली गई 16 सीटें यानी 2008 का फिर से रिवर्सल हो गया और 2018 में वही आंकड़े आ गए। अब हम आपको दिखा रहे हैं सी वोटर का ओपिनियन पोल, ये सी वोटर का ओपिनियन पोल है, आज तक का नहीं है लेकिन चूंकि ये सी वोटर ओपिनियन पोल आ गया है सबके सामने तो हम वो आंकड़े भी रख रहे हैं। उनका प्रोजेक्शन ये कहता है कि बीजेपी को 109 से 119 सीटें आएंगी और कांग्रेस को 78 से 88 यानी एक बार फिर से वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। वोट शेयर में 5% का डिफरेंस है, 46% अगर बीजेपी को है तो कांग्रेस को 41%। अब हम आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में, क्योंकि आपने सुना होगा मणिपुर के बाद अगर लड़ाई छिड़ रही है तो राजस्थान पर कि किसके शासन में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध हुआ है, तो इसीलिए हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं कि 2019 में, 2021 में, 2022 में जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो 41,000 से लेकर 40,000 आंकड़ा रहा था, बीजेपी सरकार का जब 16, 17 और 18 में रहा तो ये देखिए उसका भी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 25,000 से 27,000 के बीच में आंकड़ा रहा था। अब आपको बताते हैं बतौर मुख्यमंत्री कौन है सबसे पसंदीदा उम्मीदवार, तो इसको बाजी मारते हुए अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें अशोक गहलोत सबसे ज्यादा लगभग 35% वोट के साथ सी वोटर के सर्वे में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 पर वसुंधरा राजे दिखाई देती हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे के पास 25% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिलचस्प है कि नंबर 3 पर सी वोटर के सर्वे में सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं और वो काफी करीब यानी लगभग 19%, सिर्फ 6% पीछे वसुंधरा राजे के दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद 4th नंबर पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिनके पास 9% वोट है। लेकिन अब हम एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में जो एक हेजिटेंसी दिखाई दे रही है कि किसको सीएम फेस बनाए, उसमें जब सी वोटर ने जानने की कोशिश की तो ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है, वसुंधरा राजे बीजेपी के जो लोग हैं वोटर हैं उनमें से 37% लोगों ने वसुंधरा राजे के लिए बात की है, गजेंद्र सिंह शेखावत 9% पर बहुत पीछे 9% पर यानी लगभग उनसे 20% से ज्यादा 30% माफ कीजिएगा लगभग 30% के आसपास पीछे हैं। और ऐसा ही राजेंद्र राठौर के साथ टाई हो रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का, अर्जुन मेघवाल 7% पे हैं इन दोनों से भी नीचे यानी इनमें से कोई नहीं चाहिए कहने वाले भी 31% हैं। तो बीजेपी के सामने यह धर्म संकट बना हुआ है कि क्या वो वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे या मिलेगा किसी और को मौका। बलात्कार के मामले का भी आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं और इसी के साथ आखिरी जो आंकड़ा है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं डायरी कांड पर, क्योंकि लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला किया है। राजेंद्र गुढ़ा दरअसल मंत्री थे अशोक गहलोत की सरकार में, विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। मंत्री पद से हटते ही वो रोने बिलखने लगे और एक लाल डायरी वो दिखाने लगे, कहा कि इसी में कच्चा चिट्ठा है, अशोक गहलोत ने मुझे कहा था कि इस डायरी को जल्दी से ले आओ क्योंकि इसी में पूरा हिसाब किताब है लेन देन का। देश में कौन कौन सी ऐसी डायरीज है, जैन डायरी 1991 में सीबीआई के छापे में बरामद की गई थी, हवाला कांड का पूरा लेखा जोखा था, बहुत राजनीतिक रूप से आप देखें तो बहुत हलचल मची थी। फिर सहारा डायरी का जिक्र आता है, छापे में सहारा के ऑफिस से बरामद, कई मुख्यमंत्रियों को रिश्वत देने की बात इस सहारा डायरी में की गई थी। अब आते हैं लाल डायरी में, अशोक गहलोत से जुड़े राज होने का दावा है ये राजेंद्र गुढ़ा का, कोरी कल्पना है ये कहते हैं अशोक गहलोत, पीएम ने भी जिक्र किया है, विधायकों के खरीद का हिसाब किताब इसमें है।